नहीं नहीं हम लोग जो नोटिस आए थे हम लोग केस किया था गुवाहाटी में वो नौ महीने हम लोग हमारा माँ गिरा दिया था जी मेरा नाम बक्कर अली है स्पेलिंग कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं बी ए डबल के ए आर अली ए एल आई अली तो 2015 में हमारे घर में नोटिस आया मेरे नाम पे मेरे बड़े भाई के नाम पे और मेरे माँ के नाम पे आया था बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा बंगाईगांव कोर्ट में बुलाया था उसमें हम लोग तीनों गया और उसमें हमारा केस जजमेंट भी हो गया है जजमेंट हुआ है कि मेरा बड़ा भाई और मेरा माँ हुआ है इंडियन और हमको बनाया है 2 साल के लिए कोई वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट में हमारा कोई नाम रह ही नहीं सकता है दो साल टेन ईयर्स जी है तक आप वोट नहीं दे सकते हैं किसी गवर्नमेंट उसको अवेल नहीं कर सकते ऐसे मतलब कि वोट नहीं दे सकते और सब वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा मैं ऐसे भी हम एक टीचर है एम ई स्कूल के मैं टीचर करता है प्राइवेट स्कूल प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट है लेकिन फेंसर है असम में फेंसर स्कूल भी होता है वो फेंसर स्कूल में हम असिस्टेंट टीचर है तो उसके बाद जब मेरा 2 साल वोट से बातिल कर दिया तो मैं हाईकोर्ट में अपील किया क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो इंडियन है और हमको क्यों 2 साल के लिए ऐसा किया है और शर्म भी आता है जबकि मैं स्कूल में काम करता हूँ मेरे वोट में अगर वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा तो हमको कैसे लगेगा इसीलिए हमने हाईकोर्ट में अपील किया हाईकोर्ट से वो केस ऐसा हुआ केस बंगाईगांव में फिर भेज दिया लोअर कोर्ट में उसमें रिट्रायल करने के लिए भेज दिया गया तो अभी जो लोअर कोर्ट में जब आया है लोअर कोर्ट में फिर हम तीनों को विदेशी बना दिया है फॉरेनर बना दिया है तीनों को ये है लिस्ट फॉरेनर बना दिया है तो यानी पहले दो जो मदर और बड़े भाई आपके उनको इंडियन बना था उनको भी फॉरेनर बना दिया और आपको भी हमको भी बना दिया अभी हम घर से भागे रहा हूँ घर में रह नहीं सकता हूँ अभी एक महीने से हम घर नहीं है आज आप लोगों के आज हमको एक फोन मिला था सुबह इसीलिए हम इधर उधर रहकर ये बताने के लिए आया हूँ और वो जो आप डेट ऑफ बर्थ वाली बात बता रहे थे एसपी ने क्यों ये इसीलिए ये जो है जब 2 साल के लिए वोट नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है एसपी ऑफिस में मेरे नाम रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसे लिख दिया है ऑर्डर में इसमें ऑर्डर है तो उसमें जब लिख दिया रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर ऑफिस में ऐसा है कि बांग्लादेश कहाँ में थे किस गांव में रहता था वो बताना पड़ेगा लेकिन उसमें तो हम बांग्लादेश के लिए कुछ जानता ही नहीं है जब था ही नहीं जानता ही नहीं उस कुछ नहीं जानता फिर उन्होंने बताया कि हम लोग नाम और पता लिख दिया तुम्हें अगर एसपी पूछेगा तो बता दीजिएगा ऐसे वो तो रजिस्टर ऑफिस में वो तो रजिस्टर ऑफिस में काम करता है उसने बांग्लादेश का एड्रेस भर दिया हाँ उसने भर दिया और कहा कि कोई पूछेगा तो आपको बांग्लादेश का एड्रेस बताना ये एड्रेस बता क्या मामला था डेट ऑफ बर्थ जो है जब हमको इसको स्ट्रीम में गिराया बोलता है जब स्ट्रीम में हो तो ऐसा है कि 1970 से पहले और 1966 से बाद मैंने बांग्लादेश से यहाँ आया हूँ इंडिया में इसका मतलब जब 1966 के बाद या 1970 के ऊपर उस पहले तब तो मेरा जन्म हुआ ही नहीं था मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है 1985 तो 1985 लिख देने से ये रजिस्टर हो नहीं सकता है वो स्ट्रीम में जब स्ट्रीम लिख दिया है वो स्ट्रीम तो इसमें नहीं होगा इसीलिए उन्होंने बताया कि नहीं
एस थोड़ा नीचे ऊपर कर दो ज्यादा तो बदल आप 85 बॉन्ड थे आपका डेट ऑफ बर्थ तो पीछे ले जाके 1970 कर दिया हां 1970 66 77 के बीच में आया है सो लेकिन साइन किया है साइन तो जोरपूर्वक ये है जो साइन लेकिन आप साइन मैं नहीं करना चाहता था उन्होंने बताया कि अगर तूने साइन नहीं किया तो तुम्हें पुलिस जाकर घर से उठाकर लेके आएगा इसमें एक चीज बताइए मैं 3 दिन यहां से रिटर्न आया है साइन नहीं करेगा बोल के बोलता है ये अगर रजिस्टर तूने नहीं करेगा तो तुम्हें पुलिस घर से उठाकर लेके आएगा ऐसे बता दिया अच्छा फिंगरप्रिंट साहब आप मुझे ये बताइए कि अब इस पेपर का वैल्यू रह गया अब तो आपको फॉरनर डिक्लेयर कर दिया गया जो रीसेंट जजमेंट आया उसमें हां अब तो इन का इनवैलिड हो गया इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ये है मेरा स्कूल डॉक्यूमेंट मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ा और जो फोटो है 1951 का है 1966 का है 1970 का है उसके ये जो है ये हमारा दादा का है सबसे पहले हमको नोटिस मिला था 2015 इसमें नोटिस का डेट है लेकिन हमको याद नहीं है इसमें है लिखा हुआ है कोई ठीक है 2015 में आपको नोटिस मिला था जी पहला नोटिस 2015 में मिला था अब मैंने पूरा अभी आप कहाँ रह रहे हैं अभी तो हम घर नहीं रह सकता हूँ इधर उधर छुपा के रह तो स्कूल छोड़ दिया अभी जा ही नहीं सकता है स्कूल में परीक्षा हो रहा है फिर भी छुप के रहता हूँ इधर उधर आपकी मदर और आपके भाई उन्होंने भी छुप के रहा है वो भी छुप के रहा जी हाईकोर्ट में अपील की लेकिन अभी तो हाईकोर्ट बंद ही है 10 तारीख के बाद हाईकोर्ट खुलेगा तब तो बेल के लिए फिर अपील करना पड़ेगा अभी तो कोर्ट बंद ही है ऐसे अभी आपने बकर अली को सुना इनका एक बड़ा अजीब सा केस है ये यंग आदमी हैं 2008 में इन ये उससे 2008 से पहले वोटिंग करते थे 2008 में इनको सबसे पहले एनआरसी की नोटिस मिलती है जिसमें इनको कहा गया कि आप आएं और अपनी सिटीजनशिप प्रूव करें ये लोग गए अपील किया इन्होंने कोर्ट में भी किया सारा डॉक्यूमेंट दिया इनकी मदर और इनके बड़े भाई को एनआरसी ने इंडियन डिक्लेयर किया उनको वो उनके राइट्स वापस किए गए लेकिन इनको 10 इयर्स का एक कैप लगा दिया गया कि आप 10 इयर्स के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं इवन आपका बेसिक वोटिंग राइट भी नहीं होगा 10 इयर्स के लिए वो वोटिंग राइट सीज कर लिया गया ये लोग अपील में गए हाईकोर्ट में गए हाईकोर्ट ने उस केस को लोअर कोर्ट बोगाईगांव के लोअर कोर्ट को रिट्रायल के लिए भेजा रिट्रायल में कोर्ट ने इन तीनों को अगेन मदर और इनके इनके बड़े भाई और इनको फाइनली फॉरनर डिक्लेयर कर दिया ये गवर्नमेंट टीचर थे ये गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के स्कूल में ये पढ़ा रहे थे अभी इन फैमिली के इन तीनों लोगों को हाइडिंग में रहना पड़ रहा है इसमें एक और क्यूरियस केस है कि इज़ अ यंग मैन 85 बॉन्ड हैं लेकिन चूंकि उनको मैनुपलेट करना था 66 और 77 का जो वो है कि उस 71 उस बीच में जो लोग आए ईस्ट पाकिस्तान से जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं इंडिया उनको इंडिया सिटीजनशिप देती है इसलिए इनको ये सजेशन दिया गया सजेशन नहीं एक तरह का थ्रेट था वो थ्रू एसपी के ऑफिस में ये इनका एलिगेशन है के उनसे एक पेपर पे साइन करवाया गया जिस पेपर में इनका एड्रेस बांग्लादेश दिखलाया गया और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पीछे करके 85 बॉन्ड को 70 बॉन्ड किया गया और इनसे ज़बरदस्ती उस पेपर पे सिग्नेचर लिए गए इनके दोनों हाथ दोनों पंजे का उस पे छाप लिया गया इन्होंने 3 बार रिफ्यूज़ किया कि हम उस पर साइन नहीं करेंगे फाइनली इनको थ्रेट के सामने झुकना पड़ा